गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। इन बुजुर्ग दादा की ईमानदारी की कहानी सुनकर आपको भी इन पर गर्व होगा। दरअसल खंडवा एसपी मनोज राय ने इनकी ईमानदारी को लेकर इन्हें 2100 रुपए दिए। इसका कारण भी है, आज अगर कोई व्यक्ति जो 100 200 500 रुपए दिन भर मेहनत करके धूप में पसीना बहा के कमाता हो, उसे लाखों रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग मिल जाए और वो व्यक्ति उस बैग को ईमानदारी से लौटा दे, तो इसे ईमानदारी की मिसाल ही कहा जाएगा। और ये मिसाल पेश की है खंडवा के केवलराम चौराहे पर बैठने वाले रंगरेज दादा ने, जिनका नाम हम आपको आगे सुनवाएंगे उन्हीं की जुबानी। और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, ये अग्रवाल साहब हैं जो मिठाई का कारोबार करते हैं, पूरा फैमिली बिजनेस है इनका मिठाई का, गोटू अग्रवाल के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, और उनके भतीजे भी उनके साथ हैं। साथ में ये रंगरेज दादा भी हैं, क्योंकि इनको जब बैग मिला तो इन्होंने गोटू अग्रवाल को वो बैग दे दिया और उन्होंने खंडवा एसपी से बात की, मुलाकात की, और रंगरेज दादा को खंडवा एसपी मनोज राय ने शाबाशी भी दी। और जिसने भी उनके इस ईमानदारी की कहानी को सुना, सबको बहुत आनंद आया। चलिए उनकी बात आपको सुनवाते हैं। और जिस महिला का बैग उनके पास छूट गया था, वो कौन है, कितना पैसा था, कितने लाख रुपए की ज्वेलरी थी, सब आपको सुनवाते हैं, देखिए। जी 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 बताइए, आज आप एसपी ऑफिस किस लिए आए हो? कल मार्केट गए थे जी, हमारा कुछ सामान खरीदा और पर्स भूल गए थे जी। सामान खरीदते टाइम पे इनकी दुकान पर। अच्छा, पर्स कहाँ पर भूल गए थे, आपको पता था? नहीं, पता नहीं था, गलती से छूट गया। फिर क्या हुआ? फिर अधिक रात हो गई थी, 9-10 बजे हमको पता लगा, तब जाके आज हम थाने में गए, रिपोर्ट डाली। डालने के बाद क्या हुआ, फिर पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया? हाँ, किया। कैमरे चेक करवाया। अच्छा, तो आपको ये पता नहीं चला कि बैग कहाँ पर भूल के आया? नहीं, पता नहीं था। फिर कैसे चला पता आपको? इसको कैमरों में चेक करके पता लगा। अच्छा, तो कौन सी जगह मिली? राम चौराहे पे। अच्छा, बैग में क्या रखा हुआ था? सोने की रकम रखी थी, कान के झुमके और पंचाली रखी। कितने की थी? लगभग 1.5 लाख के। क्या नाम है आपका? संगीता मास। कहाँ रहते हो आप? बिलूदेव। यहाँ पर कहाँ आए हुए थे आप? खंडवा आई थी मैं जी। दादा बताइए, ये बाजार आए थे घूमने फिरने या लस्सी अस्सी पी रहे थे, क्या खा रहे थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका बैग वहाँ गाड़ी पे रखा हुआ था जी। और ये चले गए, वो बैग इधर से उधर गाड़ी पे रखाता रहा, तो फिर मैंने कुछ लोगों से लिया, मैं क्या भैया, बोले बैग, मैंने कहा लाओ इधर लाओ, हमारा ही बैग है। तो हमने उठा के डिगरी लाल सेठ, गोटू सेठ के हवाले कर दिया। मैं कहा जिसकी भी अमानत हो सेठ, ये उनको दे देना, जो इसमें क्या है क्या नहीं है ये हमने भी नहीं देखा। मैंने कहा जो भी हो बेचारा, उसकी रकम उसके हवाले हो जाए। कहाँ पर भूल गए तो, और आप क्या काम करते हैं? मैं रंगाई का काम करता हूँ, वो केवल राम अपने डिग्री लाल चौक के पास, मिठाई वाले नमकीन के हैं सेठ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी उर्स चीनी रंगरेज के थे। फिर आपने वो बेच क्या किया? मैंने सेठ को दिया, अपने सेठ हैं मिठाई वाले गुटू सेठ जी। मैं कहा सेठ जी ये बैग कोई भूल गया है, तो मैं कहा इसको आप संभालो, ये क्या है क्या नहीं है, मैंने कहा ये हमारे को नहीं मालूम, जो मैंने कहा उसको दे देना आपने। तो तूने अच्छा काम किया, बोले मेरे हवाले बैग कर दिया, जिसी का भी होगा अपन उसको दे देंगे। कल शाम के लगभग 5:30 बजे का घटनाक्रम है जी। हमारे चीनी भाई मेरे पास ये बैग लेकर के आए, इनको नहीं मालूम बैग में क्या है क्या नहीं। उस बीच जब मैंने बैग खोल करके देखा, मुझे भी कुछ जैसे खास चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन एक छोटा सा जेब था बैग में, उसमें जब देखा तो एक डब्बी थी, डब्बे में लगभग जो है 3-4 तोला सोने की रकम थी, जिसमें 2 कान की झुमकी और एक हार था गले का, तो लगभग कीमत जो 2-2.5 लाख रुपये होती है उसकी वो था। हमने आसपास के अपने सारे लोगों को जानकारी दी कि भाई इस तरह का कोई बैग छूटा है, यदि कोई आता है उससे संपर्क करें जी। अब इस बीच आज हमारा ये प्लानिंग थी कि हम जाके एसपी साहब के सुपर इसको कर दें जी।
मेरे साहब से फोन पे बात भी हुई थी, आपने 4 बजे का समय दिया था कि आप 4 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना जी। हम रास्ते ही देख रहे थे, इस बीच हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भैया बैग, मैंने कहा हाँ हमारे पास है, और हम 4 बजे माननीय SP साहब के पास जाकर के इस बैग को देंगे। उसी बीच ये हमारी दोनों बहनें भी बैग तलाशती हुई मिल गई, हमने इनके शुक्रद सब संभलवा दिया, उन्होंने सब जानकारी ले ली कि हमारा सामान यथावत है। और इन सब कार्यों से प्रेरित होकर के माननीय SP साहब ने हमारे चीनी भाई का उत्साहवर्धन करते हुए इनकी ईमानदारी के लिए इनको पुरस्कृत किया, इनको 2100 रुपये नकद लिफाफा दिया। हम मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय SP साहब की इस दरिया दिली का, शासकीय पद पर होते हुए उन्होंने गरीब के ईमानदारी को सराहा और समाज में एक अच्छा संदेश इसके माध्यम से जाएगा और लोग इन कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और पुलिस की मदद करेंगे। जय हिंद। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमार जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विट्ठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।